हली रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अम्बदे नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। मनोज मारुतलवेगम यदेन्द्रियं वचमदं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम इतद्देवानां प्रसन्नार्थाय ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ब्रह्मणे सरसामितमश्नेत्रं चतुर्मुखं गायत्री सहितं ददविद्महे नमः स्वाहा। ओम विष्णुराटमजे विष्णुष्णप्रेस्तयो विष्णुसूर्यजे विष्णुध्रुवजे वैष्णवमसे विष्णुवितायदं विष्णवे नमः स्वाहा। ब्रह्मजज्ञानं सुरुचवेनाशुभधन्यायदं ब्रह्मणे नमः स्वाहा। त्रातारमिन्द्रं वतारमिन्द्रं सोनिधिः स्वाहा। ओम ऋषाडित्रो धर्मान् गन्धर्वोनां मेदनुनां ताभ्यमै स्वाहा। रामलीला कमेटी इस क्षेत्र के सबसे प्राचीनतम जो रामलीलाएं हैं उनमें से एक है। हर साल जिस भव्यता के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस तन्मयता के साथ रामलीला का यहाँ मंचन होता है, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक अनूठा उदाहरण है। आज रामलीला के लिए भूमि पूजन हुआ है और हमें भरोसा है कि प्रकृति की अनुकंपा से इस बार भी हर साल की तरह सफलतापूर्वक जो है रामलीला संपन्न होगा। नहीं, सभी जगहों पर अभी भूमि पूजन का काम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और सरकार के स्तर पे जो सहयोगात्मक कार्य है वो सरकार भी अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर के हम जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण है उसको हम सब लोग पैदा करते हैं, तो हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जगहों पे जितना संभव हमें उन कार्यों की तरफ बढ़ने की जरूरत है जिससे कि प्रदूषण का स्तर जो दिल्ली में कम हो रहा है उसको और कम किया जा सके। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के सभी राम भक्तों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। उसके पश्चात मैं बताना चाहूंगा कि श्री आजाद रामलीला कला केंद्र पिछले 47 वर्षों से यहाँ पर प्रभु श्री राम की लीला का मंचन करती आ रही है। इस बार हम 48वां यहाँ पर वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और मंचन करने जा रहे हैं। इस बार आपको देखने को मिलेंगे हमारे स्टेज पर नए कलाकार। हर बार की बात ही हम लोगों ने कहा, हमें बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पे रहती है कि हर बार एक ही किरदार एक ही आर्टिस्ट निभाता है, तो इस बार हमने उस चीज को चेंज किया है, कोशिश की है कि नया किरदार हम किसी भी स्वरूप में उसको पेश करें और जिससे कि दर्शकों की जो मांग है उसको हम पूरी कर सकें। आखिर क्या कारण रहा कि टीम बदलनी पड़ी और नई टीम को लाना पड़ा? सर, कारण मैंने आपको बताया, कारण यही रहा कि दर्शकों की डिमांड थी काफी वर्षों से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है आप उसको बार बार देखेंगे तो बार बार है ना वो चीज आपके चेहरे के सामने, आपकी आंखों के सामने घूमेगी,
इसलिए कुछ चेंज हम करना चाहते थे। कारण इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कारण यही है। राम लीला में हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है, सीता हरण हो चाहे कुछ हो। देखिए इस बार वैसे तो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर सभी आकर्षण रहते हैं, लेकिन इस बार आपको हनुमान जी की भव्य झांकी के दर्शन होंगे और उसका आकर्षण अलग ही होगा, देखते ही बनेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को अनुरोध करूंगा, अभिनंदन करूंगा उनका, उनको अनुरोध करूंगा कि कृपया उस दिन जरूर आए और रोज आए। बजट की बात करें तो क्योंकि आपको पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल, बजट हर साल बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये तो आपने ना ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि भूख लगी है तो रोटी कितनी खाओगे, भूख जितनी लगी है रोटी उतनी बननी चाहिए। आज ये 48वीं जो रामलीला का भूमि पूजन होने जा रहा है और यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं सारे यहीं के ही हैं आसपास के, कोई स्पेशल हमारा कोई बुलाया नहीं होता कहीं से, और यहीं के लोग यहाँ पूरी कलाकार जो हैं अपना बहुत अच्छी तरीके से इस भव्य कार्यक्रम को करते हैं। दर्शकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस भव्य रामलीला का पूरा लाभ उठाएं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वो इस साल 48 में प्रवेश कर गया है और इस साल रामलीला का मंच पुराने जो कलाकार थे अब उनकी जगह नए कलाकारों ने लिए, डायरेक्टर वगैरह सब नए आए, नई टीम, नया मंचन, भव्य मंचन, इस बार कुछ अलग ही होगा। श्री रामलीला की मंचन के लिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला है वो है, वो चाहेंगे तो होगी, बहुत बढ़िया। पिछले 47 सालों से होती आ रही है, इस साल भी होगी, पूरा राममय वातावरण होता है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो मर्यादाएं हैं अपने मंच पर उन्हें स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जितना प्रयत्न होता है सनातन धर्म के विस्तार और सनातन धर्म की अच्छाइयों को बताने के बारे में बात करते हैं और धर्म विरोधियों का विनाश हो ऐसी कल्पना करते हैं और यही मंचन का उद्देश्य है। आप राम में मंचन के भाव से आएंगे तो आपको बिल्कुल जो वास्तविक रामलीला है, हमारे क्षेत्रीय कलाकार हैं वो पूरी मेहनत करते हैं, हर जो उनको भी पात्र दिया जाता है हर पात्र में वो जान डाल देते हैं और उसको पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं और आनंद आता है भगवान श्री राम जी की लीला का। यहाँ पर लगभग 9 या 10 दिन जो भी होती है, क्योंकि कभी एक दिन तीर्थ घट जाता है, कभी एक दिन तीर्थ बढ़ जाता है, तो संपूर्ण राम में वातावरण रहता है और मर्यादाएं बढ़ती रहती है, मंच की मर्यादाएं का हम अनुपालन करते हैं। सभी को जय श्री राम। जैसा कि इसी तरह सभी को पिछले 47 वर्षों से श्री आजाद रामलीला कला केंद्र भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है और पहले से हर बार एक और उच्च स्तर पर जो है रामलीला का मंचन होता है और हम इस अपने इस उद्देश्य में सफल होते हैं। जन जन तक भगवान राम के आदर्शों का प्रचार हो, लोग उनके आदर्शों पर चले, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इस बार रामलीला के कई मुख्य आकर्षण है, पहले ज्यादा जो है भव्य रामलीला होने वाली है जिसमें हनुमान जी का अवतरण, लंका दहन और दशहरा पर जो है विशेष कार्यक्रम रहते हैं।